इस कहानी की शुरुआत में हमें टाइटन नाम के दानों के बारे में बताया जाता है जो 100 साल पहले प्रकट हुए और अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को अपना शिकार बनाने लगे, जिससे धीरे धीरे इंसानियत खत्म होने लगी और बचे हुए इंसानों ने खुद को बचाने के लिए 3 विशालकाय दीवारें बनाई जिनमें उन्होंने खुद को कैद कर लिया ताकि टाइटन उन दीवारों के पार ना आ सके। और धीरे धीरे टाइटन के हमले होना बंद हो गए जिससे सभी लोग अब टाइटन को काल्पनिक कहानियां मानने लगे। फिर हमें आर्मिन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो तीसरी दीवार में बसे मोजेम नाम के गांव में रहता है और अपने पिता के साथ दुकान पर काम किया करता था। वो अपने दोस्त एरन से मिलने के लिए पहाड़ों की तरफ जाता है, तभी रास्ते में एक बच्चा उसे रोक लेता है क्योंकि आर्मिन ने उस बच्चे के लिए एक गैजेट बनाया था जो अब खराब हो चुका था, जिसे आर्मिन सही करने के लिए अपने पास रख लेता है। फिर आर्मिन मिकासा नाम की लड़की के पास जाता है जो एरन को पसंद करती थी और वो दोनों एरन से मिलने के पहाड़ों पर जाते हैं क्योंकि एरन को काम से निकाल दिया गया था। एरन एक पुराने बम पर खड़ा होता है जो फटा नहीं था, इसीलिए सभी उस बम से डरते थे क्योंकि वो कभी भी फट सकता था। एरन अपने दोस्तों से कहता कि सब लोग इस बम से डरते हैं लेकिन मैं नहीं डरता, मगर तभी वो बम से नीचे गिर जाता है। आर्मिन और मिकासा एरन से कहते हैं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है और तुम एक जगह टिककर काम क्यों नहीं कर सकते, तो एरन उन्हें कहता कि मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता। तो आर्मिन भी उसे कि मुझे भी अपने डेट का काम अच्छा नहीं लगता और मुझे गैजेट बनाना पसंद है। फिर एरन अपने बारे में बताता है कि मुझे इन दीवारों में गुट गुट कर नहीं रहना और मैं दीवार के पार की दुनिया देखना चाहता हूँ, सोचो उस पार की दुनिया कैसी होगी। ये बात कहकर वो बम को लात मार देता है और बम पर लगी मिट्टी हट जाती है, जिसे देख कर आर्मिन को बम पर एक फोटो दिखाई देती है और वो एरन और मिकासा को बताता है कि ये समुद्र की फोटो है जहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर लोग नहाते हैं। और मिकासा उन दीवारों को देखकर कहती है कि क्या उन दीवारों के पार ऐसा कुछ है। फिर एरन मिकासा और आर्मिन को दीवारों के गार्ड से बचाकर दीवार के पास ले आता है। दीवार के पास काफी ठंड होती है जिससे एरन मिकासा को अपना स्कार्फ दे देता है, तभी गार्ड्स उन्हें दीवार के पास देखकर उन पर अटैक कर देते हैं। फिर वहाँ पर कैप्टन सोदा आ जाते हैं जो फाइट को रुकवा देते हैं और गार्ड को वहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं। सोदा उसे बताते हैं कि सरकार एक अकाउंटिंग टीम तैयार कर रही है जिसमें तुम्हें भी शामिल होना चाहिए। इतने में वहाँ पर एक विशालकाय कोलोसल टाइटन हमला कर देता है, जिसे देखकर एरन और बाकी लोग डर जाते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि टाइटन सच में मौजूद होते हैं। तभी टाइटन दीवार में पैरों से छेद कर देता है जिससे एरन और बाकी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दीवार में छेद होने से बाकी के टाइटन अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर कैप्टन सोदा उन पर तोपों से हमला करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन टाइटन अमर होते हैं जिससे वो मरते नहीं। फिर टाइटन सुरक्षा गार्ड पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। यह देखकर एरन मिकासा और आर्मिन काफी डर जाते हैं और वो गांव की तरफ भागते हैं। तभी आर्मिन एरन से कहता कि मैं घर की तरफ जाकर देखता हूँ कि सब ठीक है या नहीं। वहीं टाइटन गांव पर हमला कर देते हैं जिससे सभी गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और टाइटन लोगों का शिकार करने लग जाते हैं। सभी लोग टाइटन से बचने के लिए गांव की गलियों में भागते हैं, लेकिन वहां भी टाइटन उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। तभी एरन एक टाइटन के हाथ में एक आदमी को देखता है जो आर्मिन के डेड होते हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है। वहीं सभी लोग टाइटन से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और साथ ही बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए एक घर की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं एरन और मिकासा भी उस घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मिकासा को एक लेडीज अपने बच्चे के साथ नीचे बैठकर रोती हुई दिखाई देती है, जिससे मिकासा और एरन को उस पर दया आ जाती है और उनको बचाने के लिए जाता है। भीड़ ज्यादा होने से मिकासा और एरन अलग हो जाते हैं। एरन भीड़ के साथ उस घर में चला जाता है और गांव के लोग भी ज्यादा होने से घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे बाकी के लोग घर के बाहर रह जाते हैं। मिकासा भी बाहर रह जाती है। एरन घर से बाहर आने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता और वो गेट पर खड़ा होकर मिकासा को देखता है और बहुत दुखी होता है क्योंकि मिकासा की तरफ एक टाइटन आ रहा था जो उसे अपना शिकार बना लेगा। मिकासा भी रो रही होती है। टाइटन वहाँ पर हमला कर देता है जिससे एरन गिर जाता है और वो जब उठता है तो गेट खोलने की कोशिश करता है और घर के बाहर आकर देखता है कि चारों तरफ तबाही और खून है। फिर एरन मिकासा के बारे में सोचकर दुखी होता है कि मिकासा मर चुकी है। तभी टाइटन उस घर पर भी हमला कर देते हैं जहां सभी लोग छिपे हुए थे और सभी लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। यह देखकर एरन बहुत डर जाता है और वो वहां से बचकर मिडिल दीवार के अंदर आ जाता है। फिर हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एरन आर्मिन के साथ स्काउट ज्वाइन
एंकर लेते हैं, जिसके बारे में कैप्टन सोदा ने उसे बताया था। फिर हमें कमांडर कुबल को दिखाया जाता है जो स्काउट टीम को टाइटन के बारे में बता रहे होते हैं कि टाइटन ने हमारी तीसरी दीवार को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ। काफी लोगों की जाने गई, कई लोगों के घर व खेत खत्म हो गए, जिससे खाने पीने की चीजें भी कम हो रही है। लेकिन अब हम डर के नहीं रहेंगे और अब वो मौका आ गया जब हम टाइटन से बदला लेंगे, जिसके लिए हमने ट्रेनिंग ली है। फिर कमांडर कुबल वेपन स्काउट लीडर हांस को बुलाते हैं। हांस उन्हें बताती है कि टाइटन से अब हम छिपकर नहीं रहेंगे, हम उनसे फाइट करेंगे, वो भी इस खास ODMG डिवाइस से जिससे हम उड़ सकते हैं। फिर वो कैप्टन शिकिशिमा की टीम के साथ ओमोटोमाची एग्जिट पॉइंट पर ज्वाइन करने की बोलती है। कमांडर कुबल उन्हें बताते हैं कि सूरज डूबते ही हमें मोनजेन के लिए निकलना है और हम एक नया इतिहास बनाएंगे। फिर वो सभी को नारा लगाकर जोश में लाते हैं। वहीं शाम होते ही सभी स्काउट के लोग अपने अपने परिवार से मिल रहे होते हैं। ये देखकर आर्मिन और एरन सेड हो जाते हैं, क्योंकि उनसे मिलने वाला कोई नहीं था। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है जो आर्मिन को एक डॉल देती है और कहती है कि आपके लिए है। ये सुनकर आर्मिन खुश हो जाता है। फिर वो दोनों स्काउट टीम के साथ खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर आर्मिन से एक शराबी की बोतल गिर जाती है। वो शराबी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन सोदा होते हैं और वो शराब पी रहे होते हैं। कैप्टन सोदा आर्मिन और एरन को देखते ही खुश हो जाते हैं और मिकासा के बारे में पूछते हैं। तो एरन उन्हें बताता है कि मैं मिकासा को नहीं बचा सका, लेकिन मैं उसका बदला जरूर लूंगा। फिर वो खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर आर्मिन खाने पर अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है कि तीसरी दीवार पर जो होल है उसके ऊपर के हिस्से को हमें गिराना होगा, जिससे नीचे का हिस्सा भरा जा सके, जिससे वो टाइटन अंदर नहीं आ सकेंगे और जितने टाइटन अंदर है हम उनसे फाइट करके उन्हें मार देंगे। लेकिन शाशा को बहुत भूख लग रही होती है और वो आर्मिन से खाना छीन कर खाने लग जाती है, जिसे देख कर एरन वहाँ से चला जाता है। आर्मिन विस्फोटक हथियारों के बारे में बताता है जो ओदोमाची नाम की जगह पर रखे हुए थे, जो मिडिल दीवार के पार है। अगर हम इस जंग में हारे तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर जॉन नाम का लड़का बोलता है कि तुम जैसे लोग धरती पर बोझ हो और तुम्हें इस मिशन से ज्यादा अपने खाने की पड़ी हुई है। यह सुनकर शाशा को गुस्सा आ जाता है और वो वेटर से और खाने को बोलती है, लेकिन वेटर उसे मना कर देता है क्योंकि फूड सप्लाई बहुत कम होती है। फिर जॉन वहाँ बैठे सभी लोगों को बहुत बुरा बोलता है, जिससे सबको जॉन पर गुस्सा आता है और आर्मिन उसे कहता है कि तुम्हें टाइटन से डर लगता है, जिसके लिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तो जॉन को गुस्सा आता है और वो आर्मिन को मारने के लिए आगे आता है। तभी एरन वहाँ जाता है और जॉन को बोलता है कि तुमने टाइटन की परछाई भी देखी है, कभी जब तुम टाइटन देख लोगे तो पेंट गीली कर दोगे, उन्हें देखने के लिए जिगर चाहिए और तुम जैसे रईस जादो में इतना दम कहाँ। यह सुनकर जॉन को एरन पे गुस्सा आता है और वो एरन से फाइट करने के लिए उसके पास आ जाता है। तभी वहाँ पर वेपन डीलर हांसा जाती है, जो टीम को टाइटन के बारे में बताती है कि टाइटन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, फिर वो बच्चे कैसे पैदा करते हैं, इसीलिए मुझे एक जिंदा टाइटन चाहिए, मगर वो मरते हुए धुआं हो जाते हैं। फिर वो गियर चेक करने के लिए 10 मिनट के अंदर सभी को तैयार होने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। तब जॉन बोलता है कि टाइटन से याद आया कि एरन ने टाइटन के डर से अपनी गर्लफ्रेंड को मरने के लिए छोड़ दिया था, तब उसका जिगर कहाँ गया था। यह सुनकर एरन को जॉन पर गुस्सा आ जाता है और वो दोनों फाइट के लिए आगे आते हैं, मगर बाकी के टीम मेंबर उन्हें रोक लेते हैं। फिर वो सभी मिडिल दीवार के एग्जिट गेट पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें हांस बताती है कि टाइटन रात में हमें नहीं देख सकते और वो गहरी नींद में सोते हैं, इसीलिए हम रात में ओमोटोमाची के लिए सफर करेंगे। टाइटन इंसानी आवाज को सुनकर जाग जाते हैं, इसीलिए अपना मुंह किसी भी हाल में मत खोलना। फिर वो कमांडर कुबल के साथ ओमोटोमाची के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक आदमी आर्मिन को बताता है कि ओमोटोमाची में एक डेयर डेविल वुमन फाइटर है, जिससे मुझे मिलने की बहुत इच्छा है। उस वुमन फाइटर ने कैप्टन शिकिशिमा के ऑर्डर पर पिछले साल 10 से ज्यादा टाइटन को अकेले ही मार दिया था। तभी रास्ते में एक सोल्जर को हलचल होती दिखाई देती है और वो सभी को उस जगह की छानबीन करने का ऑर्डर देता है। छानबीन करते करते जॉन को गायों का झुंड दिखाई देता है। कैप्टन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलने की बोलते हैं। शाशा को भूख लग जाती है तो आर्मिन उसे खाने के लिए 2 आलू देता है। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हियाना को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे जाने लगती है। तो एरन भी उसके पीछे चला जाता है और वो दोनों एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक टाइटन का बच्चा होता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। टाइटन का बच्चा एरन और हियान को देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए आता है, मगर हियान और
एरन वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे वो बच्चा जोर से रोने लगता है। बच्चे की आवाज से सभी टाइटन जाग जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यह देखकर कोबल वहाँ से निकलने की बोलते हैं, मगर एरन और उसके साथी वही रह जाते हैं और वो टाइटन स्कॉट टीम को अपना शिकार बनाने लगते हैं। फिर वेपन डीलर हांस उन्हें लंबी बिल्डिंग तक जाने की बोलती है, क्योंकि वही कैप्टन शिकिशिमा मौजूद होते हैं जो उनको बचा सकते थे। एरन और उसके साथी ओमोतोमाची पहुँचने वाले होते हैं, मगर उनका रास्ता एक टाइटन रोक लेता है। तब एरन को ट्रेनिंग में बताई गई बातें याद आती है कि टाइटन को सिर्फ उसकी गर्दन की नस काट कर ही मारा जा सकता है। तभी वहाँ पर कैप्टन शिकिशिमा आ जाते हैं, जो अपने ODMG डिवाइस से हवा में उड़ते हुए टाइटन से लड़ने लग जाते हैं। ये सब देख कर एरन शॉक्ड हो जाता है। कैप्टन शिकिशिमा उस टाइटन की गर्दन की नस को काट देते हैं, जिससे वो टाइटन मर जाता है। तभी वहाँ पर एक और टाइटन आ जाता है, जिसको मारने के लिए डेयर डेविल वुमन आ जाती है और उस टाइटन को मार देती है। वो डेयर डेविल वुमन और कोई नहीं बल्कि एरन की गर्लफ्रेंड मिकासा ही होती है। एरन उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। कैप्टन शिकिशिमा के साथ मिकासा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कमांडर कोबल को दिखाया जाता है, जो शिकिशिमा के पास विस्फोटक हथियारों को देखने के लिए आते हैं, जिसे कमांडर कोबल ने एक सीक्रेट टनल में रखा होता है। सभी सोल्जर विस्फोटक हथियारों को ट्रक में लोड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एरन और जॉन में फाइट हो जाती है और एरन जॉन को एक शानदार किक मार देता है, जिससे उसके मुंह का जबड़ा टूट जाता है। तभी एरन को मिकासा पीछे से पकड़ लेती है और दूर फेंक देती है। तो आर्मिन मिकासा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मगर मिकासा बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ कैप्टन शिकिशिमा जाते हैं और वो एरन को अपने साथ चलने की बोलते हैं और एरन से उसके मॉम डैड के बारे में पूछते हैं। तो एरन कहता है कि मेरे मॉम डैड बचपन में ही मर गए थे। फिर एरन उनसे मिकासा के बारे में पूछता है। तब शिकिशिमा उसे बताते हैं कि मैंने मिकासा को फाइट करना सिखा दिया और उसे स्ट्रॉन्ग बना दिया। एरन उनसे कहता है कि मुझे भी ये सीखना है, क्योंकि मुझे टाइटन से बदला लेना है। फिर शिकिशिमा एरन से बोलते हैं कि हमारा असली दुश्मन टाइटन नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा है और तुम उनके लिए पहाड़ियों पर रहने वाली भेड़ बकरी की तरह हो। ये सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ। तो एरन को आजाद होने की बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें आर्मिन को उसके गैजेट के साथ दिखाया जाता है, जो शाशा को उस बच्चे के बारे में बता रहा होता है जिसके लिए उसने गैजेट बनाया था। तभी वहाँ पर कमांडर कोबल आ जाते हैं, जो आर्मिन से मशीनों के बारे में पूछते हैं। तो आर्मिन बोलता है कि मशीनों के वेस्टेज और पोल्यूशन से बहुत से लोग मारे जाते हैं। आर्मिन की बात सुनकर कमांडर कोबल खुश हो जाते हैं और उसे सोने के लिए भेज देते हैं। फिर हमें एरन को दिखाया जाता है, जो मिकासा के पास जा रहा होता है और उससे बात करता है कि तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो मिकासा एरन को बताती है कि जब मैं उस बच्चे को बचाने के लिए बाहर रह गई थी तो टाइटन ने बच्चे के साथ मुझे भी चबा लिया था, मगर शिकिशिमा ने मुझे बचा लिया। तभी शिकिशिमा भी वहाँ जाते हैं, जो प्यार से मिकासा को सेब खिलाने लगता है, जिससे एरन समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इससे वो दुखी होता है और वो वहाँ से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ हियान आ जाती है, जो एरन को शांत करके बिल्डिंग के अंदर ले आती है, जहाँ वो एरन से मिकासा के बारे में पूछती है। तो एरन उसे बताता है कि जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। फिर हियान एरन को प्यार करने लग जाती है, क्योंकि वो भी उसे चाहने लगी थी। लेकिन तभी हियान को एक टाइटन अपना शिकार बना लेता है, जिसे देखकर एरन को गुस्सा आ जाता है। वह यहाँ सभी से कहती है कि हमें टाइटन ने चारों तरफ से घेर लिया है। यह बात सुनकर सभी सोल्जर अपनी अपनी ODMG डिवाइस को एक्टिवेट करके टाइटन से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहीं कैप्टन शिकिशिमा और मिकासा टाइटन को अपनी फुर्ती और स्किल से मारने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक नकाबपोश आदमी विस्फोटक हथियारों के ट्रक को लेकर भाग रहा होता है। यह देखकर हांस और सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नकाबपोश आदमी ट्रक लेकर निकल जाता है। तभी ट्रक पर लील नाम की लेडी सोल्जर आ जाती है, जो ट्रक में आग लगाकर उस नकाबपोश आदमी से फाइट करने लग जाती है। फाइट करते करते ट्रक टाइटन से टकरा जाता है, जिससे सभी विस्फोटक हथियारों में धमाका हो जाता है। इससे सभी सोल्जर दुखी होते हैं, क्योंकि उनके सारे विस्फोटक बर्बाद हो गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन बिल्डिंग की छत पर जाकर टाइटन से लड़ने के लिए कूद जाता है और अपनी ODMG डिवाइस से टाइटन से फाइट करने लगता है और काफी कोशिशों के बाद एक टाइटन को मार देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। मगर उसका ध्यान भटक जाता है और एक टाइटन उसका पैर काट देता है, जिससे एरन दूर जाकर गिरता है। फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है, जिसे टाइटन ने चारों तरफ से घेर लिया था।
जॉन को बचाने के लिए आर्मिन और सभी लोग टाइटन का ध्यान भटकाने लगते हैं। यह देखकर जॉन काफी खुश होता है। फिर शाशा अपने निशाने से उस टाइटन की आग में तीर मार देती है जिससे वो टाइटन ब्लाइंड हो जाता है। वहीं सांजी अपनी कुलाड़ी से टाइटन के पैरों पर अटैक करता है जिससे वो टाइटन नीचे गिरने लगता है। फिर जॉन को भी गुस्सा आ जाता है और अपने ODMG डिवाइस की मदद से हवा में फ्लाइंग करके टाइटन की गर्दन की नस काट देता है जिससे वो टाइटन मर जाता है। तभी आर्मिन जॉन से एरन के बारे में पूछता है जो ऊपर जख्मी पड़ा होता है जिससे आर्मिन पीछे रुक जाता है। तभी आर्मिन को एक टाइटन पकड़ लेता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। यह सब एरन देख रहा होता है मगर उसकी हालत काफी खराब होती है। फिर भी वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे टाइटन के मुंह से बाहर फेंक देता है जिससे आर्मिन की जान बच जाती है। मगर इससे एरन टाइटन के मुंह के अंदर चला जाता है और उसका एक हाथ कटकर आर्मिन के पास आकर गिरता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं एरन टाइटन के पेट में पहुंच जाता है जहां उसे हियान की डेड बॉडी दिखती है जिससे वो दुखी होकर चिल्लाने लगता है। तभी टाइटन के पेट में एसिड की वजह से एरन भी खत्म होने लगता है। वहीं मिकासा जब आर्मिन के पास आती है तो आर्मिन उसे एरन का कटा हुआ हाथ दिखाता है और कहता है कि एरन मर चुका है। यह देखकर मिकासा बहुत दुखी होती है और उसे टाइटन पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो टाइटन से फाइट करने के लिए अकेली निकल जाती है और एक एक करके सभी टाइटन को मारने लगती है। मगर ODMG डिवाइस का फ्यूल खत्म होने की वजह से मिकासा नीचे गिर जाती है और उसकी तलवार भी टूट जाती है। तभी वो अपने हाथ पर एरन का स्कार्फ देखती है जिससे उसे एरन की याद आने लगती है। तभी वहाँ पर वो मोटा टाइटन आ जाता है जिसने एरन को अपना शिकार बनाया था और वो मिकासा को भी अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उस टाइटन को कुछ होने लगता है और देखते ही देखते उस टाइटन के अंदर से एक अजीब सा टाइटन बाहर निकलता है जो गुस्से में एक एक करके सभी टाइटन को मारने लग जाता है जिससे सभी सोल्जर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो टाइटन उनकी तरफ से लड़ रहा है। उसके लड़ने की स्टाइल से हांस बताती है कि ये काफी इंटेलिजेंट टाइटन है क्योंकि इसका फाइट करने का स्टाइल बहुत अनोखा है। ये देखकर बाकी के टाइटन वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिकासा समझ जाती है कि ये टाइटन एरन है। तभी एरन गुस्से में मिकासा और उसके साथियों पर अटैक करता है क्योंकि वो अब एक टाइटन में तब्दील हो गया था और वो मिकासा को पकड़ लेता है। लेकिन जब मिकासा उसे माफी मांगती है तो उस टाइटन को कुछ होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सभी सोल्जर उसके पास आते हैं और वो देखते हैं कि वो टाइटन भी बाकी टाइटन की तरह ही धुआं बनकर गायब हो रहा है। इसीलिए कैप्टन सोदा सभी से कहते हैं कि हमें इस टाइटन की गर्दन की नस काटनी होगी वरना इस टाइटन के साथ एरन भी मर जाएगा। मिकासा जब उस टाइटन की गर्दन की नस काटती है तो इससे एरन की जान बच जाती है। सभी इससे बहुत हैरान होते हैं क्योंकि एरन के हाथ पैर फिर से रिजनरेट हो गए थे। शिकिशिमा भी ये सब देख रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।